दोस्तों दो गाड़ी मालिक लेकिन समस्या एक ही, गाड़ियां खराब हुई, सर्विस नहीं मिली। अपनी समस्या का समाधान कर रहे थे लेकिन उन्हें समाधान नहीं मिला। आखिरकार ट्रांसपोर्ट टीवी से उनका संपर्क हुआ। उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी हमें बताई कि उनके साथ हुआ क्या। आज उसी का जिक्र हम कर रहे हैं। दो कंपनीज की गाड़ियों की बात करेंगे और उनकी सर्विसेज को लेकर चर्चा करेंगे आज के प्रोग्राम लॉरी। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। दोस्तों तौहीद हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले। इन्होंने फरवरी 2022 में एक गाड़ी खरीदी, अशोक लीलैंड की इकोमेट 16-15 मॉडल। हिसाब लगा सकते हैं आप, अभी मात्र 6-7 महीने हुए हैं। इनकी गाड़ी का रीवा रोड उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में टायर फट गया और टायर फटने के साथ और भी चीजें डैमेज हो गईं। गोरखपुर से मुंबई के लिए ये मेडिसिन लोड करके जा रहे थे। टायर फटा, रेडिएटर लीक हो गया। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करें। गाड़ी वारंटी में थी, कंपनी से संपर्क किया इस विश्वास के साथ कि कंपनी वालों ने तो कहा ही है कि 24 घंटों में जहां बुलाएंगे हम चले आएंगे। लेकिन जब हकीकत में इन्होंने हेल्पलाइन में संपर्क किया और उसके बाद इन्हें कहा गया यहां संपर्क कीजिए, उनसे संपर्क कीजिए, लगभग 3-4 जगह संपर्क करने के लिए कह दिया गया। 2 दिन वहीं पर खड़े रहे, कंपनी की तरफ से कोई नहीं आया, तब इनका विश्वास टूट गया। देखिए जब विश्वास टूटा तो इन्होंने क्या कहा। ट्रांसपोर्ट टीवी से मेरी गुजारिश है कि मेरी मदद करिए। ये देखिए टूटा हुआ है टायर उड़ने की वजह से, मेरे गाड़ी का टायर फटा है और जो है ये सब इतना सामान नुकसान हुआ है। रेडिएटर भी लीक हो गया है, पंखी भी टूट गई है। कंपनी वालों का कहना है कि आपकी गाड़ी कहीं भी ख़राब हो रही है तो हमारा सर्वेयर 24 घंटे के अंदर में 24 घंटे आपको सेवा उपलब्ध है। लेकिन हम यहाँ कल से परेशान हैं, फ़ोन कर कर के केवल फ़ोन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इस साहब के पास बात करिए, ये कंपनी में बात करिए, इधर करिए उधर करिए, यही कर रहे हैं। ये कल से मैं यहाँ रास्ते में पड़ा हुआ हूँ। ना ही हम बाहर से कहीं काम करवा सकते हैं और ना ही इनका आदमी आने वाला। और ये जो है इनके कंपनी में बोलते हैं कि अभी सामान नहीं, जब सामान नहीं तो ये गाड़ी क्यों बेच रहे हैं। हर सामान इनके कंपनी में उपलब्ध है, रास्ते में जब गाड़ी खराब होगी तो कोई सामान उपलब्ध नहीं है। सुना आपने क्या कहना पड़ गया इनको कि जब कंपनी में सामान ही नहीं है तो काहे को गाड़ी बेचते हो। वैसे इन्हें कहा जाता है कि हर सामान उपलब्ध है कंपनी का ही सामान इस्तेमाल कीजिए। लेकिन जब इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो कोई समस्या का समाधान ही नहीं मिलता। 3-4 दिन सुनसान सड़क पर जंगल के आसपास इन्हें खड़ा रहना पड़ता है। चोरी चकारी का डर, लूटपाट का डर इन्हें सताता रहता है। इन्होंने बताया कि मात्र 14 किलोमीटर दूर एजेंसी थी और मिस्त्री को पहुंचने में 3 दिन लग गए। ये भी कहा गया कि पहले पेमेंट करवाइए, फिर आपका सामान आएगा और मिस्त्री आएगा। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी जो हमें तौहीद ने बताई, वो ये कि ये कहा गया कि अभी विजिट करने के लिए कोई है ही नहीं, किसी तरह की गाड़ी उपलब्ध नहीं है, आप आइए गाड़ी बुक करवा के मैकेनिक ले जाइए। 3-4 दिन बाद इनके पास मिस्त्री आए, लगभग 12,000 से 14,000 रुपए का इनका खर्चा आया। उसके बाद काफी हास्यास्पद इन्होंने बात बताई कि मोटरसाइकिल से 2 मैकेनिक आए जिन्होंने पेट्रोल का पैसा भी इनसे लिया, 900 रुपए इनसे लिए गए, 5,000 रुपए तो लेबर चार्ज ले लिया गया। और कहा जाता है कि गाड़ी वारंटी में है, किसी तरह की कोई समस्या हुई तो संपर्क कीजिए। क्विक रिस्पॉन्स की बात करते हैं, 48 घंटे से ज्यादा अगर हो गए तो कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिलेगी, ये दावा करती है कंपनी। ये तो थी अशोक लेलैंड की बात। अब बात करते हैं टाटा अल्ट्रा 15-18 की। जी हाँ, टाटा का ब्रांड जिस पर सभी को विश्वास है। भारत देश में लगभग सबकी चहेती है टाटा कंपनी, लेकिन उनके साथ जुड़ी हुई एजेंसी, ऑथराइज्ड डीलर्स क्या कर रहे हैं इस वीडियो से आप जान पाएंगे। खेताराम है, 2018 में इन्होंने ये गाड़ी खरीदी थी। हालांकि गाड़ी वारंटी में तो नहीं है, लेकिन कंपनी जो दावा करती है कि आप कभी भी कहीं भी 24/7 अगर दिक्कत आती है तो हमसे संपर्क करें, हमारी टीम तुरंत आपकी समस्या का हल करेगी।
वहीं पहुंचेगी जहां आप हैं। लेकिन जमीनी हकीकत आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। 14 अगस्त को इनकी गाड़ी खराब हुई, इंजन में कोई समस्या आई कुल्लू हिमाचल प्रदेश में। मात्र 10 किलोमीटर दूर वहां से कोई एजेंसी थी जिनसे इनका संपर्क हो पाया। गाड़ी को ले गए एजेंसी में, गाड़ी 15 दिन से ज्यादा खड़ी रही। 5 सितंबर को ये कंपनी में गए तो उन्होंने अपनी गाड़ी का ये हाल देखा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। गाड़ी खुली हुई है, पुर्जा हो रखी है, लेकिन ठीक नहीं हुई। 15 दिन से ज्यादा हो गए, 5 सितंबर की बात है, 14 अगस्त को इनकी गाड़ी खराब हुई थी। 19 सितंबर को ये गाड़ी इन्हें ठीक होकर मिली। लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया। 24/7 वाली बात कहां गई? इनकी साइट्स पर आप जाकर देखेंगे तो तमाम लुभावने दावे लिखे हुए हैं। डोर स्टेप सर्विस का वादा किया हुआ है कि वैन आएगी, सर्टिफाइड टेक्नीशियंस आएंगे, आप अकेले नहीं होंगे। कभी भी अगर आपके साथ ऐसी समस्या आती है तो हम पहुंचेंगे तुरंत। टाटा कंपनी ने अपनी साइट्स में लिखा हुआ है, रिस्पॉन्सिव, रिलायबल एंड बेस्ट वैल्यू। इन 3 कोर प्रोमिसेस को लेकर टाटा कंपनी चलती है, लेकिन जमीनी हकीकत आपके सामने है। 15 दिन हो गए हैं, टाटा मोटर्स है ये, पीजी ऑटोमोबाइल्स, और यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। खोल के रखा है कि सामान आ रहा है। लगभग 2 लाख रुपए का खर्चा इन साहब का आया। 1 महीने से ज्यादा गाड़ी खड़ी रही, किसी तरह का कोई हॉल्ट चार्ज नहीं, किसी तरह की कोई कंपनसेशन नहीं, यहाँ तक कि सामान तक उपलब्ध नहीं था। बाहर से जा के इन्होंने सामान खरीदा। लगभग 20,000 से 25,000 रुपए का सामान तो बाहर से लाने को खुद कंपनी वालों ने कहा कि ये सामान बाहर से ले आइए। ये सभी बातें हमें खेताराम ने बताई। समझ सकते हैं, 1,56,000 कुछ रुपए का बिल इनका बनाया गया, जिसमें से लगभग 25,000 से ज्यादा तो लेबर चार्ज था। क्रेन ये ढोके लेकर गए, 5,000 रुपए लगे। कंपनी ने कुछ नहीं भेजा था। रॉकर अलार्म 13,000 रुपए का बाहर से खरीदा। इंजेक्टर 16,000 कुछ रुपए का बाहर से खरीदा। मतलब चाहे अशोक लीलैंड हो, चाहे टाटा या अन्य कोई निर्माता कंपनी हो, दावे सबके लगभग एक जैसे ही हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि सफर मालिकों को ही करना पड़ता है। भुगतान, नुकसान, सब कुछ गाड़ी मालिकों को ही झेलना पड़ता है। आप जब भी गाड़ी खरीदने जाएं, अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। क्या ये जो कह रहे हैं इन्होंने कहीं लिखित में आपको किसी एग्रीमेंट में दिया है? उसको अच्छे से पढ़कर इनसे सवाल जवाब करिए। इनकी साइट्स पर आपको ऐसे दावे मिल जाएंगे जिनको लेकर आप इनसे सवाल कर सकते हैं। ये थी कहानी 2 गाड़ी मालिकों की, जिन्होंने अशोक लेलैंड और टाटा मोटर खरीदी हुई थी, सर्विसेज के दावों पर चले गए, लोक लुभावने वादों पर चले गए, लेकिन भुगतना तो इन्हें पड़ा ही। कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। आपकी गाड़ी खाली नहीं हो रही और आपको हॉल्टिंग चार्ज भी नहीं दिया जा रहा, या फिर आपसे डाले की मांग हो रही है, या फिर आपको भाड़ा ही नहीं दिया जा रहा, आरटीओ और टोल अधिकारी आपको जीवीडब्ल्यू पर 5% की छूट नहीं दे रहे, या फिर आपका फाइनेंसर गलत तरीके से आपकी गाड़ी पकड़ कर ले गया, अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमसे हेल्पलाइन के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।